स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग फिजिकल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा के बारे में पढ़ेंगे। राजकोषीय घाटा कैसे उत्पन्न होता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, इन सब के बारे में हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकोषीय घाटा को समझेंगे कि राजकोषीय घाटा आखिर होता क्या है। तो सरकार की कुल प्राप्ति में से सरकार के कुल व्यय को जब हम लोग घटा देते हैं, वही राजकोषीय घाटा के रूप में हम लोगों के सामने आता है। इसमें सरकार की उधार एवं देनदारियों को अलग कर दिया जाता है। मतलब सरकार की कुल प्राप्ति में से सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय को जब हम लोग घटा देते हैं तो हम लोगों को राजकोषीय घाटा मिल जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग उधार एवं देनदारी को छोड़ देंगे जो सरकार द्वारा लिया गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए किसी देश की GDP 400 अरब डॉलर है और उस देश में 12 अरब डॉलर का राजकोषीय घाटा है। इसका मतलब है कि वहां पे 3% GDP का कुल 3% राजकोषीय घाटा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राजकोषीय घाटा की गणना हमेशा GDP के प्रतिशत के रूप में की जाती है। देखते हैं कि कॉजेज ऑफ फिस्कल डिफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा क्यों उत्पन्न होता है। इसका सबसे पहला कारण हम लोग देखेंगे कि ये मंदी, किसी भी देश में मंदी, महामारी, प्राकृतिक आपदा या युद्ध जैसे हालात बन जाए तो फिस्कल डिफिसिट ज़्यादा हो जाता है। इसका दूसरा कारण हम लोग देखेंगे अनावश्यक खर्च, अननेसेसरी एक्सपेंशन के कारण भी फिस्कल डिफिसिट बढ़ जाता है। तीसरा कारण हम लोग देखेंगे कि सरकार द्वारा कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट, इसके कारण भी फिस्कल डिफिसिट उत्पन्न हो जाता है। टैक्स चोरी, ये भी एक कारक है फिस्कल डिफिसिट का। या ये भी हो सकता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वहाँ उस देश में फिस्कल डिफिसिट उत्पन्न हो जाए। बड़े पैमाने पर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है किसी देश में, वहाँ भी राजकोषीय घाटा बढ़। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ फिस्कल डिफिसिट, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव मुद्रा स्फीति के रूप में पड़ता है। मुद्रा स्फीति वैसी स्थिति है जिसमें मांग एवं आपूर्ति के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है, यानी कि वस्तुओं के सेवा और कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा स्फीति की गणना WPI और CPI के आधार पर की जाती है, यानी थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रा स्फीति की गणना की जाती है। तो राजकोषीय घाटा के कारण मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कर्ज का बोझ सरकार पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, किसी भी देश की इन्वेस्टमेंट रेटिंग प्रभावित होती है सरकार पर ज़्यादा कर्ज बढ़ने से। और दूसरा क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। मतलब उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीचे गिरने लगती है। तो सबसे बड़ा प्रभाव राजकोषीय घाटा अधिक होने के कारण सरकार को अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए अधिक कर्ज लेना पड़ता है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट रेटिंग सरकार की गिरती जाती है या उस देश की गिरती जाती है और उस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इसका बहुत ही बुरा असर है। कि इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, राजकोषीय घाटा को कम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अनावश्यक अननेसेसरी एक्सपेंस को कम करके, दूसरा हम लोग देखेंगे कि बोनस, सब्सिडरी या छुट्टी नकदीकरण या अन्य सार्वजनिक व्यय को कम करके भी हम लोग इसको कम कर सकते हैं राजकोषीय घाटा को। बोनस, सब्सिडी या छुट्टी नकदीकरण या सार्वजनिक व्यय को कम करके हम इसे कम कर सकते हैं। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करके हम लोग विनिवेश के माध्यम से भी राजकोषीय घाटा को कम कर सकते हैं। चौथा, टैक्स चोरी को हम लोग कम करके राजकोषीय घाटा को कम कर सकते हैं।
इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा राजकोषीय घाटा को एक हद तक कुछ कम किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ फिस्कल डिफिसिट। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरकारी व्यय को। सरकारी व्यय के अंतर्गत ए में हम लोग देखेंगे राजस्व व्यय 50,000 है, पूंजीगत व्यय यहाँ पे 60,000 है। तो यहाँ पर कुल व्यय सरकार का राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय बराबर 110,000 रुपया। इसके बाद सरकारी प्राप्ति में हम लोग आएंगे। राजस्व प्राप्ति हम लोग देखते हैं 50,000 है, पूंजी प्राप्ति 60,000 है। इसके बाद E1 में हम लोग देखेंगे कि ऋण वसूली और अन्य रसीदों से सरकार के पास 20,000 है। और सबसे लास्ट में E2 में हम लोग देखेंगे कि उधार एवं अन्य देयताओं द्वारा सरकार को 40,000 मिला है। यहाँ पर जब हमको राजकोषीय घाटा निकालना होगा तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कि राजकोषीय घाटा के बारे में हम लोग जानते हैं कि सरकार की कुल प्राप्ति और व्यय में से जो अंतर होता है वही राजकोषीय घाटा होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि C-D+E1 को जब हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को राजकोषीय घाटा 40,000 मिलता है। E1 के अंतर्गत हम लोग ऋण वसूली और अन्य रसीदें ले लेंगे और D में हम लोग राजस्व प्राप्ति को ले लेंगे। उसमें से राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय को जब हम लोग घटा देंगे तो हम लोगों के पास यहाँ पर शुद्ध राजकोषीय घाटा 40,000 मिल जाएगा। 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा 6.8 तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बाद में इसे सॉल्व करते हुए निर्मला सीतारमण ने इसके 6.9 तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की थी। अब हम लोग देखेंगे कि इस वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 2023 के लिए सरकार के द्वारा राजकोषीय घाटा का कितना लक्ष्य रखा गया है। तो ये है 6.4 तक राजकोषीय घाटा को सीमित रखने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। तो आज के टॉपिक में हम लोग जाने हैं फिस्कल डिफिसिट के बारे में, इसके क्या इफेक्ट में होगा। फिस्कल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा के बारे में हम लोग जाने हैं, इसकी परिभाषा हम लोग समझे हैं। फिस्कल डिफिसिट क्यों उत्पन्न होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। साथ ही 2021-22 में फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य कितना रखा गया था और चालू वित्तीय वर्ष में फिस्कल डिफिसिट 6.4 तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।